नमस्कार मित्रों, आज हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम चैप्टर के कुल 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, उसको वन बाय वन देखेंगे और साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज यूनिट व्हेन वी कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो मतलब सीधी से पूछ रहा है कि जो इकोसिस्टम है उसके कितने कंपोनेंट है। तो प्रोडक्टिव डिकम्पोजिशन नहीं, डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो नहीं, प्रोडक्टिव एनर्जी फ्लो नहीं, प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल, दीज आर द फोर कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दो में देखिए, अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट्स इज रिप्रेजेंटेड आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ। तो किस टर्म्स में जो बायोमास प्रोडक्ट होता है वो किस टर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका टर्म्स जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो ड्राई वेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। किस में? ड्राई वेट में। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, इट मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग पर्टिकुलरली डिपेंड करता है, प्रेडेशन पे नहीं डिपेंड करता है। ठीक है, प्रेडेशन पे नहीं, क्योंकि प्रेडेशन जो होता है कंज्यूमर होता है, तो कंज्यूमर में सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बनती है, तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फोर, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सिमेटली। तो कितना होता है? आपको याद है कि 170 बिलियन टन्स, ये एनसीईआरटी का डेटा, इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, 170 बिलियन टन्स इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फोर्थ के बाद फिफ्थ आते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए क्या कहता है, इन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस इन बिलियन टन। ठीक है, तो बिलियन टन में कितना ओशन का कंट्रीब्यूशन है? तो आपको याद होगा 55 टन माना जाता है। कितना मतलब ओशन में कितना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है? तो वो आपका 55 टन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कहता है, एक्सक्यूज मी, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, बाय डाइजेशन एंड पल्वराइजेशन ऑफ डेट्राइटस गेट फ्रेगमेंटेड, दिस फ्रेगमेंटेशन स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन हेल्प इन। तो ये क्या करता है कि जो डीकम्पोजिशन होता है उसमें क्या हेल्प करता है? तो इंक्रीजिंग, थोड़ा सा साइज की छोटी कर देते हैं ताकि क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए हाँ अब देखिए, अब तो आपको आसानी से ही दिख जाएगा, दिखने में तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। चलिए, बाय डाइजेशन एंड पल्वराइजेशन डेट्राइटस गेट फ्रेगमेंटेड, दिस फ्रेगमेंटेशन स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन हेल्प्स इन। तो ये एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा ये नीचे चला गया क्वेश्चन, ऑप्शन पूरे दिख नहीं रहे, ऑप्शन आपको दिखने ही चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन जब तक नहीं दिखेगा तब तक हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो ये देखिए, बाय डाइजेशन एंड पल्वराइजेशन डेट्राइटस गेट फ्रेगमेंटेड, दिस फ्रेगमेंटेशन स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन हेल्प इन। तो इंक्रीज पोरोसिटी ऑफ डेट्राइटस, नहीं, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ डेट्राइटस, मतलब बी इज द राइट आंसर। तो सिक्स का बी होगा, जब सरफेस एरिया ऑफ डेट्राइटस बढ़ेगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगा, जिससे डीकम्पोजिशन फास्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद सेवन्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में देखिए क्या कहता है। थोड़ा सा विजिबिलिटी हम लोग बढ़ाएंगे, बस एडजस्टमेंट ही थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है, बट एनीवे वी हैव टू सॉल्व, मतलब हम लोग को ये सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं सेवन्थ, लीचिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन, ड्यूरिंग लीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल। तो कह रहा है कि वाटर इनसॉल्युबल अनऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं जाता है, वाटर मतलब जाता है लेकिन वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा, बोथ वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मीन्स फोर्थ इज द राइट आंसर। दोनों जाते हैं, वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए एट्थ में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट देखिए क्या कहता है। ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द एकुमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमस। तो ससेप्टेबल टू माइक्रोबियल एक्शन, नहीं भाई ये कहाँ ससेप्टेबल होता है, ये तो रजिस्ट करता है। अंडरगोज डीप एक्सट्रीमली हाई रेट, नहीं ये भी अलग गलत है। कोलाइडल इन नेचर, तो ये करेक्ट है। तो थर्ड इज द राइट आंसर, मतलब कोलाइडल इन नेचर, ह्यूमस का नेचर जो होता है वो कोलाइडल की तरह होता है। चलिए नाइन्थ में देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल विल नॉट रिड्यूस द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस। तो लिग्निन
क्या करता है, मतलब रिड्यूस करता है, काइटिन भी रिड्यूस करता है, क्यूटिन भी रिड्यूस करता है, बट शुगर रिड्यूस नहीं करता, ये इंक्रीज करता है। तो इसलिए फोर्थ इज द राइट आंसर, मतलब शुगर हमेशा डिकम्पोजिशन रेट को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10th देखिए क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट द डिकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सॉइल माइक्रोब्स। ठीक है, तो अब ये कौन सा फैक्टर होता है जो सॉइल माइक्रोब्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, और वो भी क्लाइमेटिक फैक्टर होना चाहिए। तो टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, मतलब ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ये दोनों रूल, पीएच जहाँ है वो तो गलत हो गया, और टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन ये नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा फर्स्ट, टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, दिस इज द क्लाइमेटिक, मतलब ये क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं और जो सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी को डिकम्पोजिशन में इफेक्ट डालते हैं, मतलब इन्हांस करते हैं। ठीक है, 10th हो गया, आइए 11th देखें। क्वेश्चन नंबर 11th देखिए क्या कहता है, ये भी इजी है। डिकम्पोजिशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर। तो नॉट करेक्ट पूछा है, वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, तो ये बात सही है। नाइट्रोजन एंड शुगर कंपोनेंट फेवर डिकम्पोजिशन, ये भी बात सही है। लो टेम्परेचर एंड एनरोबिस, नहीं, तो थर्ड इज द इनकरेक्ट, मतलब थर्ड आपका करेक्ट आंसर माना जाए। ये इनकरेक्ट ही पूछा है तो आपका थर्ड इज द करेक्ट, क्योंकि लो टेम्परेचर एंड एनरोबिक कंडीशन ये फेवर नहीं करते, ये हमेशा रिड्यूस करते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12th देखिए क्या कहता है। हाउ मच अमाउंट ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन एंड पार इज द कैप्चर एट GPP रिस्पेक्टिवली, मतलब पार और GPP का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको आंसर याद ही होगा, 1-5% आपका पार होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीशन, और 2-10% आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए 12th के बाद 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कहता है। इन एक्वाटिक इकोसिस्टम विच टाइप ऑफ फूड चेन इज मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो, तो आपको ये याद ही होगा, GFC माना जाता है। अब कहेंगे थोड़ा सा ऑप्शन भी देख लेते हैं तब जाके उसको सॉल्व किया जाता है। तो ऑप्शन में ऑलरेडी दिया है GFC। GFC जो होता है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो माना जाता है। ठीक है, तो GFC इज द राइट आंसर, मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो ये हो गया आपका 13 के बाद आते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में क्या कहता है। अबाउट फ्लो ऑफ फूड एनर्जी बाई द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बींग ईटन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा, तो अभी हमने देखा कि इन एक्वाटिक इकोसिस्टम GFC इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो, ये सही कर रहा है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम DFC इज मेजर कर, ये भी सही कर रहा है। इन प्रेडेटर फूड चेन देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द ट्रॉफिक लेवल, नहीं ये सही है, ये भी सही है। वेट वन सेकेंड, इन प्रेडेटर फूड चेन देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द ट्रॉफिक लेवल, ये भी सही कर रहा है। DFC कैन नेवर बी कनेक्टेड, नो, ये आपका गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा फोर्थ इज द राइट आंसर, क्योंकि ये इनकरेक्ट दिया है और इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, तो मतलब DFC और GFC दोनों कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 में मास ऑफ द लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज द स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास ऑफ ए स्पीसीज इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इज मोर एक्यूरेट, तो इसको हम लोग ड्राई वेट में एक्सप्रेस करते हैं। किस में एक्सप्रेस करते हैं? ड्राई वेट में। ठीक है, तो ये आपका बी इज द राइट आंसर। चलिए 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। हमने बताया था थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि समय कम रहता है। चलिए, इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट्स हाउ मेनी टॉप कंज्यूमर कैन बी सपोर्टेड, तो ये तीन ही टॉप कंज्यूमर सपोर्टेड किए जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 6 मिलियन प्लांट्स हैं तो कितने कंज्यूमर, भाई तो तीन ही टॉप कंज्यूमर वो सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। इन एन इकोसिस्टम ड्राई वेट ऑफ द प्रोड्यूसर इज 809 किलोग्राम, देन वॉट विल बी द बायोमास ऑफ टर्सरी कंज्यूमर, तो टर्सरी कंज्यूमर का बायोमास जो माना जाता है वो 1.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 1.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो है 17 का यही करेक्ट आंसर माना जाएगा, मतलब 1.5 ग्राम, फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए NCERT का सब है डेटा। अब 18th देखिए, क्वेश्चन नंबर 18th में क्या कहता है। इकोलॉजिकल पिरामिड शो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक नंबर बायोमास एंड एनर्जी विच आर लिमिटेशन ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड, तो ये कह रहा है कि कौन कौन से लिमिटेशन इकोलॉजिकल पिरामिड्स के होते हैं। तो आइए देखिए क्या क्या लिमिटेशन है, अब देखिए तो लिमिटेशन आपका दिया है ऑलरेडी 4 लिमिटेशन। इट डज नॉट टेक इन टू द अकाउंट ऑफ सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू द 2 or more trophic लेवल, ये भी सही। इट डज नॉट अकोमोडेट फूड वेब, ये भी सही है। सेप्रोफाइटिक आर नॉट गिवन एनी प्लेस, ये भी सही है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर, मतलब सब लिमिट माने जाते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के, तो इसलिए फोर्थ इज द करेक्ट आंसर माना जाए। चलिए 19th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19th।
द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन इन एरिया। तो ये तो भाई सिंपल सा बात है, इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन, थर्ड इज द राइट आंसर, इसी को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा जाता है। 19 हो गया, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, हाँ देखिए, एक्सक्यूज मी, हाँ ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन एरिया इज नॉट कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीसीज, तो वो तो बढ़ता ही है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज, ये भी बढ़ता है। इंक्रीज इन बायोमास, ये भी बढ़ता है। डिक्रीज इन नीच स्पीसीज, नहीं, इंक्रीज इन नीच स्पेशलाइजेशन, मतलब नीच स्पेशलाइजेशन भी बढ़ता है। तो आपका जो करेक्ट माना, करेक्ट आंसर माना जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। डिक्रीज दिया है, यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। चलिए 21 आइए देखते हैं। 21 का तो ऑलरेडी आंसर दिया ही है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी आंसर मार्क्ड ही है। तो अबाउट सक्सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन जीरो सीयर जेरिक कंडीशन, नो, इन हाइड्रोसियर मेजिक जेरिक कंडीशन प्रोग्रेसिव टू हाइड्रिक, नहीं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जहाँ पर मेजिक इज द लास्ट स्टेज, वो क्लाइमेक्स स्टेज होता है। चाहे आप जहाँ से शुरू करिए, हाइड्रोसियर, जीरो सीयर, लिथोसियर, एक कहीं से भी शुरू करेंगे, लास्ट में मेजिक आता है जो कि क्लाइमेक्स माना जाए। तो इस तरह आप देखेंगे इस थर्ड ऑप्शन में, इन हाइड्रोसियर हाइड्रिक एनवायरमेंट प्रोग्रेस टू द मेजिक कंडीशन, तो थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड आपका, थर्ड इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 22 देखिए। 22 में क्या कहता है, ऑल सक्सेसंस वेदर टेकिंग इन वाटर और लैंड प्रोसेस विच क्लाइमेक्स कम्युनिटी, तो अभी हमने बताया था ये थर्ड मेजिक इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू एटमॉस्फेयर, तो सॉइल भी रेगुलेट करता है, मॉइस्चर भी रेगुलेट करता है, पीएच, टेम्परेचर, मीस, ऑल ऑफ द अबव, तो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा फोर्थ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन कॉन्स्टिट्यूट एंड ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो जो ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कार्बन कितना परसेंट रोल करता है, तो आपको याद होगा नियर अबाउट 40% मींस 49% 50 के आसपास, ठीक है। तो 49% इज द राइट आंसर। अब लास्ट देखते हैं 25th, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, ये भी एनसीईआरटी का डेटा है। हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन द बायोस्फीयर थ्रू द फोटोसिंथेटिक एनुअली, तो आपका जो आंसर माना जाएगा वो होगा 4 × 10^13 kg, वो एनुअली फिक्स होता है बायोस्फीयर में, और वो कार्बन होता है, ठीक है। कैसे फिक्स होता है, फोटोसिंथेसिस थ्रू, ठीक है। तो ये रहे कुल 25 क्वेश्चन जो आपके इकोसिस्टम चैप्टर से लिए गए। अगले आने वाले क्लास में हम लोग थोड़ा कुछ जो BPSC TRE3 का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाएंगे। हमने बताया था वो NCERT से ही दिया है, और मैंने पहले ही बता दिया कि मैं तो ऑलरेडी TRE2 में सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, ठीक है। तो आपको ये TRE3 का प्रिपरेशन कराया जाएगा, और अगले आने वाली क्लास में हम लोग TRE3 के ही रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। थैंक यू।